हेलो सर, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सर सर चलिए आज हम लोग एक टॉपिक पर बात करते हैं। सर, जब भी आप ट्यूशंस पढ़ाने जा रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ाने गए, पेरेंट्स के यहाँ आप कितने भी पुराने शिक्षक क्यों ना हो, उनको डेमो देना पड़ता है। उनको क्या करना पड़ता है? डेमो देना पड़ता है। जबकि थोड़ा सा ये चीज़ ख़राब भी लगता है, जो पुराने शिक्षक हैं 10 साल 20 साल 25 साल से पढ़ा रहे हैं, उनका क्या डेमो होगा भाई? वो तो ऑलराउंडर टीचर हैं, कितने सारे बच्चों को अपने जीवन में क्या से क्या बना दिए। लेकिन तब पर पेरेंट्स लोग नहीं मानते हैं। डेमो होता है 2 क्लास, तो चलिए हम लोग डेमो देते भी हैं सारे टीचर का। अब बात आती है सर, कहीं कहीं जाके प्रॉब्लम क्या आ रही है कुछ टीचर के साथ। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, तब जैसे कि अब मान लीजिए कि आप मेरे यहाँ पढ़ाने के लिए आए, एक टीचर के पेरेंट्स के यहाँ गए, वो पेरेंट्स बोले कि हम आपको 2000 रुपये देंगे, जबकि बात हुई है हमसे 3000 रुपये। और पेरेंट्स बोले कि ना सर ऐसे है, हम 2000 ही देंगे सर, ऐसे है, अपना कहानी सुनाने लगे। लेकिन वो स्कूल में जाके कहानी नहीं सुनाएगा, वो सुनाएगा आपको कहानी, क्योंकि आप अंबानी के क्या है, भतीजा ना है, इसलिए आपको सुना रहा है वो, क्योंकि आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिएगा। तो टीचर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर लोग छोड़ देते हैं उसको कि नहीं पढ़ाएंगे, तो सबक नहीं सीखे हो, उनको सबक सिखाइए पेरेंट्स को। कैसे? वो बोले कि 2000 रुपया, ठीक है ना, तो आप बोल दीजिए हाँ सर हम 2000 में पढ़ाएंगे। ऐसे भी आप बैठे हुए हैं, हैं कुछ मिल नहीं रहा है, चलो कम से कम 2000 ही तो सही आए, और आप इसको रगड़ के पढ़ाइए, एकदम जम करके, बढ़िया से पढ़ाइए, मन लगा के, और ज़्यादा मेहनत कर दीजिए उस पर, कम पैसा दिया और मेहनत ज़्यादा कीजिए, ठीक है, ये मेरा लॉजिक है। तो पढ़ाए, महीना लगा सर पेमेंट, वो देखिएगा आपको 2000 रुपया दे देगा। अब पैसा देते समय भी आप पर एहसान जताएगा, ठीक है, इसलिए कहाँ से हम क्या करके पैसा दिए हैं, मतलब ये सब कुछ ठीक है, वो अपने परिवार में वो सब चीज़ वेल मेंटेन है, लेकिन तो भी आप पर एहसान जताएगा। खास करके ये वाले फंडा जो है पेरेंट्स लोग स्टूडेंट टीचर के साथ अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट टीचर के साथ। घबराना नहीं है दोस्तों, अब इसके बाद जब पैसा ले लिए ना, अब घर में सो जाइए, ठीक है, घर में सो जाइए कि क्या सर पेमेंट्स, सर नहीं आ रहे हैं, सर नहीं आ रहे। अब उनको बोलिए ना कि सर हम 3500 रुपये लेंगे, 4000 लेंगे, तब हम आपके यहाँ पढ़ाएंगे, नहीं तो वो खोजते रह जाए। ऐसा काम अगर 3 लोग कर दिए तो सबक सीख जाएंगे कि ओ बढ़िया टीचर लेना है ना तो हमको पैसा ज़्यादा निकालना है। नहीं तो कितना घर में देखे हैं, कितने फैमिली में होता क्या है, नर्सरी क्लास के बच्चे को 2000 देना स्टार्ट किया, आज बच्चा 5 में आ गया, उनका बजट नहीं बढ़ा है, 2000 में पढ़ा रहे हो। और देखिए ऐसे सभी लोग नहीं हैं, इस बात को समझिए, बहुत से अभिभावक लोग जो पढ़ाई लिखाई को समझते हैं बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ लोग कैया टाइप के हैं, ठीक है, कुछ लोग कैया टाइप के हैं, वो लोग ऐसे करते हैं। नहीं तो कुछ लोग तो भाई देखिए 4000 रुपया चाहिए, 4000 रुपया देना है, पढ़वाना है, 3000 रुपया देना है। आज के डेट में तो 2000 रुपया तो कोई फी ही नहीं है। अगर आपके घर पर चाय पीने के लिए टीको जाता है डेली, एक काम आपके घर का चाय पानी पिएगा तो 2000 रुपया बनता है, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग टीचर लोग जो भी हैं घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं। पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना, अगर आपके पास क्वालिटी एवरेज है आप पढ़ाइए, तो भैया तब कोई गैर ये नहीं, क्वालिटी है तब अपने अंदर दम है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस है, मेहनत करना आप जानते हैं, तो पेरेंट्स को आपके आगे झुकना पड़ेगा, और बढ़िया बढ़िया पेरेंट्स झुकते हैं। कल ही एक ट्यूशन दिए थे 10th क्लास के लिए, 3000 रुपया, 3000 रुपया मात्र। एक सर को हम यही बात समझाएं फोन पर, तो सर को समझाएं कि सर बैठे हुए हैं कुछ कर नहीं रहे हैं, तो 3000 तो आएगा ना सर, तो बात तो सही है सर। वो गए एक महीना पढ़ाए हैं, ठीक है, अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, ये ट्यूशन हम दिए उनको 24-25 अप्रैल को, ठीक है, और सर बोले 10 दिन बाद क्या बोले जानते हैं, सर सर हमारा क्या कहते हैं मीन्स कि एक जगह ट्यूशन हमको मिल गया है सर, नज़दीक में ही है, सो हमको दूर पड़ रहा है सर आने में, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, नहीं आ पाएंगे। अब तो पेरेंट्स अवाक हो गए, अरे क्या हो गया भाई, ये तो अब सर कोई ट्यूशन नहीं मिला है, कोई ट्यूशन नहीं मिला है। अब वो पेरेंट्स बोले कि सर नहीं सर नहीं सर नहीं सर नहीं सर, अब वो पेरेंट्स अभी 4000 देने के लिए तैयार हो गए हैं,
और सर का कहना है कम से कम 4500 रुपया दीजिए आप। 3000 में 5 दिन जाते थे पढ़ाने, 4500 रुपया में बोल रहे हैं अब 4 दिन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो आपके अंदर क्वालिटी कॉन्फिडेंस है तो घबराइए मत। पेरेंट्स को पेमेंट कर, यही पेरेंट्स जो पेरेंट्स आपको 2000 देते हैं वही पेरेंट्स 5000 रुपये स्कूल में देते हैं और 1,00,000 रुपये देते हैं, कोई दूसरे पेरेंट्स नहीं होते हैं। अगर आपको लगे स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, अगर स्कूल में पढ़ाई लिखाई होता तो फिर आपको क्यों बुलाते हैं, हमारे पास क्यों फ़ोन करते हैं? इस चीज़ को आप समझिए, इस पेरेंट टीचर लोग इस चीज़ को समझिए और आप लोग मेहनत कीजिए। बहुत सारे टीचर भी फांकीबाज हैं, क्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं काम लगा तो हम पढ़ा लेंगे, तो ऐसे वाले टीचर मार्केट ख़राब कर देते हैं। कुछ नहीं काम है तो चलो भाई हम 500 में पढ़ा लेंगे, पढ़ाइए भाई, उनका भी काम निकल रहा है, समझ गए ना। क्वालिटी लाइए अपने अंदर, क्वालिटी लाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं पढ़े अच्छे से तो पढ़ा नहीं पाइएगा। मेहनत कीजिए, पढ़ाने से जाने से पहले 2 घंटा पढ़िए, क्या पढ़ाना है टेक्निक लगाइए। बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, देखिए कैसे पढ़ाया जाता है, इसके बाद आप आगे बढ़िए। अब पेरेंट्स को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ बात को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।